हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर परफेक्ट में। दोस्तों, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, सर्कल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर। इस फिगर में ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है। क्लियर। एंगल ए ओ सी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर दिया गया है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें यक्स की वैल्यू निकालनी है। ए ओ सी की वैल्यू 50 डिग्री दिया गया है, और हमें ओ ए सी इट मीन्स यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है देख लेते हैं। ए बी इज डायमीटर। इफ ए बी इज डायमीटर देन ए ओ इज रेडियस बिकॉज ओ इज सेंटर। इफ ओ इज सेंटर देन ए ओ इज रेडियस एंड ओ सी इज ऑल्सो रेडियस। क्लियर। ए ओ एंड ओ सी इज रेडियस एंड इन ट्रेंगल ओ ए सी, ओ ए सी इज अ ट्रेंगल, देन राइट हियर ए ओ सी इज अ ट्रेंगल। क्लियर। अब यहाँ देखिएगा, ए ओ सी, ए ओ सी ट्रेंगल में ओ ए इजकल टू ओ बी। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है। ओ ए भी रेडियस है और ओ बी, ओ सी इज, ओ सी भी एक रेडियस है। और एक सर्कल में रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ए इजकल टू ओ सी। इसका रीजन लिख देंगे हम, रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर। जब दो साइड इक्वल हैं एक ट्रेंगल का, जब दो साइड इक्वल होता है तो कौन सा ट्रेंगल बनता है, आइसोसेलेस। और जब दो साइड इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगी। इट मींस एंगल ओ ए सी इक्वल होगा ओ सी बी, एंगल ओ ए सी इक्वल होगा एंगल ओ सी ए। ठीक है, क्योंकि यह ओ ए इक्वल है ओ सी के। जब दो साइड इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होती हैं। देन इन सब का वैल्यू हो जाएगा यक्स, दोनों की वैल्यू यक्स हो जाएगी। ठीक है, अब एक ट्रेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल इज 180। देन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ ए सी इट मीन्स यक्स प्लस एंगल ए सी ओ, ए सी ओ मीन्स बी एक्स। क्यों? क्योंकि हमने आप कहा है ना ओ ए सी इक्वल ओ सी ए। इन तीनों की सम कितनी होगी, 180 एंगल। क्लियर। ए ओ सी की वैल्यू है 50 डिग्री, ओ ए सी मीन्स यक्स, ए सी ओ मीन्स यक्स 180। ठीक है, यक्स यक्स टू यक्स इक्वल टू 180। 50 प्लस में दिया जाएगा तो क्या होगा, माइनस। इधर माइनस करेंगे तो कितनी होगी वैल्यू, 0, 130, 2x। x की वैल्यू फाइंड आउट करें कितना होगा, 75। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू। जब x की वैल्यू हमें कितनी आ गई, 75। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। बाय।